रश्मि बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव की थी और उसको जीवन के दाव पे कुछ कम समझ आते थे। रश्मि को जब देखने लड़के वाले आए थे तो भी रश्मि कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाई थी और किसी ने खूब कहा है कि शब्दों से जाहिर न करना किसी के वजूद की पहचान। हर कोई इतना कह नहीं पाता जितना महसूस करता है और ये कहावत रश्मि पर बिल्कुल सटीक बैठती थी। लड़के वालों को रश्मि की सादगी पसंद आ गई और बात पक्की हो गई। शादी के बाद पहली दिवाली आई तो रश्मि की सास शकुंतला जी, जो बहुत ही सुलझे हुए विचारों की थी, वो बोली कि रश्मि कल हम बाज़ार चलेंगे और सुधा के ससुराल में जो भी दिवाली के तोहफे देने हैं वो खरीद लाएंगे। पहले मैं अकेली जाती थी, अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। रश्मि सास के साथ गई थी तो बहुत बड़े बड़े शोरूम पर उसे ले गई गिफ्ट खरीदने के लिए और कपड़े लेने के लिए। क्योंकि रश्मि मिडिल क्लास से थी तो वो कभी ऐसे जगहों पर नहीं गई थी तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। सब उसकी सास की इज्जत करते थे क्योंकि वो उनके यहाँ अक्सर आया जाया करती थी। जहाँ ये सब रश्मि को अच्छा लग रहा था वही उसका दिल बैठा जा रहा था कि उसके मायके वाले इन सब की बराबरी कैसे करेंगे। क्योंकि दिवाली के बाद भैया दूज थी और जब उसकी ननद के लिए इतना सब कुछ हो रहा था तो उनको भी शायद उम्मीद हो जाए। रश्मि ने बातों बातों में अपने घर पर यह बात रखी तो उसकी माँ, जो कि एक विधवा थी, उन्होंने अपनी चूड़ियाँ गिरवी रखकर रश्मि के लिए गोल्ड बनवा दिया और दिवाली पर उसके भाई भाभी को सामान लेकर भेजा। सबने खाना खाया और रश्मि किचन में बर्तन रखने गई तो शकुंतला जी ने कुंदन यानी रश्मि का भाई से एक बात कही। बेटा, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? जी आंटी जी, कहिए। ये जो भी कुछ तुम लाए हो वो मैं जानती हूँ अपने समर्थ के बाहर से लाए हो, क्योंकि हर लड़की अपने मायके का मान चाहती है अपने ससुराल में। पर मेरा निवेदन है कि 250 रुपये और एक मिठाई के डिब्बे से ज़्यादा मैं कुछ नहीं रखूँगी, क्योंकि भाई का हक होता है बहन को देना। इसलिए ये शगुन और तुम दोनों का प्यार हमेशा मीठा बना रहे, इसलिए ये मिठाई काफ़ी है। कुंदन के मना करने पर भी उन्होंने सादर वो सामान वापस कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि वो सामान उन्होंने अपनी चादर से बाहर जाकर खरीदा है। दोस्तों, सही कहते हैं सब कि प्यार किसी दुकान पर नहीं मिलता, बस महसूस करो तो अपने अंदर ही है। रश्मि रोने लगी और अपनी सास के गले लग गई।